वेलकम स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ई बिजनेस। तो देखिए, ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी इंटरनेट कंप्यूटर के माध्यम से जो हमारे बिजनेस होते हैं वो हमारे ई बिजनेस में आते हैं। तो इट रेफर टू कंडक्टिंग ऑल द इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एक्टिविटी थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, यानी चाहे कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है चाहे कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी है, जो कंप्यूटर के माध्यम से जो इंटरनेट के माध्यम से की जा रही है वो आपका किस में आएगा, ई बिजनेस में आएगा। ठीक है, आप मोबाइल के माध्यम से कोई भी ऑनलाइन परचेज करते हैं, पेमेंट भी ऑनलाइन कर देते हैं। ठीक है, आप अपनी रिजर्वेशन टिकट ऑनलाइन बुक करा देते हैं, आप ऑनलाइन गैस बुक करा देते हैं, ये सभी किस में है, ये ई बिजनेस में आते हैं कि हमारा इंटरनेट के माध्यम से जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सभी हम किस में शामिल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में। तो देखिए, डिलीवरी ऑफ गुड्स, अब इस प्रकार के बिजनेस में जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है, कुछ तो गुड्स ऐसे हैं जिनकी डिलीवरी उसी समय हो जाती है, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी डिलीवरी बाद में होती है। जैसे मान लीजिए इमीडिएटली में आपने रेल का टिकट बुक कराया, आपने जैसे ही पेमेंट की आपके पास कन्फर्म टिकट या वेटिंग टिकट जो भी है आपके पास उसी समय आ गई, तो ये डिलीवरी इमीडिएटली हो गई गुड्स की। आपने एयर टिकट बुक कराया, आपने और कोई बुकिंग कराई, जो आपको इमीडिएटली रिसीव हो जाती है वो इमीडिएटली ऑन डिलीवरी हो गई। जैसे मान लीजिए आपने कोई गुड्स बुक कराया, आपने कार फर्नीचर वगैरह बुक कराए ऑनलाइन, और उसकी डिलीवरी एट ए टाइम नहीं होगी, उसकी डिलीवरी बाद में होगी, तो कैन नॉट इमीडिएटली, जिनकी डिलीवरी नहीं होती है। तो दोनों प्रकार की डिलीवरी, ऐसे गुड्स जिनकी डिलीवरी उसी समय हो जाती है कंप्यूटर के माध्यम से, और ऐसे गुड्स जिनकी डिलीवरी बाद में होती है, पेमेंट उसी समय भी हो सकती है, पेमेंट ऑन डिलीवरी भी हो सकती है, तो वो सभी ट्रांजैक्शन जो हैं वो ई बिजनेस में शामिल किए जाते हैं। ई कॉमर्स, अब देखिए, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, डीलिंग इन ऑल कॉमर्स एक्टिविटीज विच कैन बी डन थ्रू मीडियम ऑफ इंटरनेट, यानी सभी कॉमर्शियल एक्टिविटी जो इंटरनेट के माध्यम से की जा रही हैं उन सभी को ई कॉमर्स में शामिल करते हैं। इसमें जैसे गुड्स का ऑर्डर देना, ऑर्डर प्लेस करना, आपने कोई भी डिलीवरी को रिसीव करना है, कोई भी पेमेंट करनी है डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन, तो सभी वो किस में आते हैं, ई कॉमर्स में आते हैं। इसके बाद ई कॉमर्स के, ई बिजनेस के स्कोप आते हैं, तो बी टू बी मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस से एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के बीच जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आपकी बी टू बी बिजनेस आती है। इसमें जैसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से होलसेलर, अब ये भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस है, होलसेलर से रिटेलर, ये भी बिजनेस है। तो बिजनेस से बिजनेस के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुई वो सब किस में आती हैं, बी टू बी बिजनेस में आती हैं। दूसरा है बी टू सी, बिजनेस से होलसेलर है रिटेलर है, तो हम रिटेलर लेंगे, बिजनेस से कस्टमर के बीच में जो भी सर्विस होती हैं, बिजनेस से कस्टमर के बीच में जो भी सर्विसेज होती हैं वो किस में आती हैं, बी टू सी में आती हैं। सी टू सी, कस्टमर से कस्टमर के बीच, अब देखिए आप कहेंगे जी कस्टमर से कस्टमर के बीच कोई भी गुड्स और सर्विसेज की डीलिंग किस प्रकार से होती है। मान लीजिए एक कस्टमर है, उसके पास कोई पुराना गुड्स है और वो उसको सेल्स करना चाहता है, बी उसको परचेज कर लेता है, तो ए भी कस्टमर है बी भी कस्टमर है। आपके पास पुरानी बुक है प्लस वन की, आपने बी को प्लस वन की बुक परचेज करनी है, उसने आपसे परचेज कर ली प्लस वन की बुक्स, तो कस्टमर से कस्टमर के बीच डीलिंग हो गई यहाँ पर, यहाँ कोई भी बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है। तो इस प्रकार की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सी टू सी बिजनेस में आती है। इंट्रा बिजनेस, अब देखिए इंट्रा बिजनेस में क्या होता है, एक ही बिजनेस के अंदर दो डिपार्टमेंट हो गए, परचेज डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपका परचेज डिपार्टमेंट है, किन्हीं भी डिपार्टमेंट के बीच जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक ही बिजनेस की दो यूनिट के बीच जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आपकी इंट्रा बी बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं।
इसके बाद बेनिफिट्स, वर्ल्ड वाइड रीच। अब देखिए इंटरनेट के माध्यम से, अगर इंटरनेट नहीं हो तो एक कस्टमर जो है ना अपने नियरेस्ट जो भी रिटेलर है, होलसेलर है, वहाँ तक पहुँच सकता है। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड लेवल पर हम परचेज कर सकते हैं। जो भी सेल्स परचेज है, जो भी ऑर्डर प्लेस करना है, ऑर्डर रिसीव करना है, ठीक है, गुड्स की डिलीवरी करनी है, वो एक वर्ल्ड वाइड जो रीच है उसको कवर करता है इंटरनेट माध्यम। शॉर्टनिंग द सप्लाई चेन। अब देखिए सप्लाई चेन, हम सीधा ऑर्डर किसको दे देते हैं? प्रोड्यूसर को दे देते हैं। हमारा जो ऑर्डर है, जो है ना ऑनलाइन जो भी कि मतलब ऑर्डर है, सीधा प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाता है। तो जो हमारी बीच की चेन है, एजेंट है, होलसेलर है, रिटेलर है, वो कम हो जाते हैं। तो जो हमारी सप्लाई चेन है वो रिड्यूस हो जाती है। और जब सप्लाई चेन रिड्यूस होती है तो वो गुड्स हमें लेस प्राइस पर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास आएगा, होलसेलर से रिटेलर के पास आएगा, रिटेलर से कस्टमर के पास आएगा। तो देखो इन दो का प्रॉफिट और इंक्रीज हो गया, इन दो के ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और इंक्रीज हो गए। और जब गुड्स सीधा इसके पास आएगा तो इन दोनों के प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो एक कस्टमर को लो प्राइस पर गुड्स अवेलेबल हो जाता है। इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, इस प्रकार जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इजीली किया जा सकता है। क्विक सॉल्यूशन ऑफ डाउट। देखिए आपने कोई भी गुड्स खरीदा, कोई भी प्रोडक्ट है, उसमें आपके कोई डाउट हैं, आप नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अपने जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट हैं, उनका क्विकली सॉल्यूशन कर सकते हैं। इजी टू लॉन्च, किसी भी कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उस प्रोडक्ट के लिए उसे एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, तो नेट के माध्यम से वो उसको एडवर्टीजमेंट कर सकती है, कस्टमर्स तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा सकती है। इसलिए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में भी आसानी होती है। सेविंग द टाइम, अब देखिए टाइम बचता है। आपको कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जाने, खरीदने के लिए मार्केट जाना होगा, आपका टाइम इन्वॉल्व होगा। आपने ऑर्डर कर दिया, आपके घर बैठे आपका कि मतलब प्रोडक्ट आ गया, तो आपका मार्केटिंग टाइम जो है वो सेव हो गया। लेस रिस्क इन पेमेंट। अब देखिए जो भी पेमेंट होती है ना वो डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से होती है, तो पेमेंट में किसी प्रकार का कोई फ्रॉड केस नहीं होता है और किसी प्रकार का कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ई बिजनेस, ई कॉमर्स स्कोप और इसके बेनिफिट्स, ये आपने लर्न